सुनो सुनो सुनो, सभी भारत की जनता सुनो, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य की तरफ से यह मुनादी की जाती है 2019 में बनाई गई नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त करने का ऑर्डर 2020 जनवरी में दे दिया गया था इस व्यक्ति और इसकी टीम के द्वारा। हजारों लोगों की हत्या की गई है, हजारों महिलाओं को इसलिए मारा गया है ताकि ये अपने एक छुपे हुए उद्देश्य पे काम कर सके, वह था पिंक रेवोल्यूशन को रोकना। पिंक रेवोल्यूशन होता है महिलाओं के मान सम्मान को ना बनाए रखने की इसने शपथ खाई थी। इस व्यक्ति ने शादी नहीं करी, विवाह करने के बाद इसने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, उसके बाद से ही यह महिलाओं के विरुद्ध काम करता रहा है। इसने इस बात को मीडिया में भी स्वीकारा था। इसी के तहत चलते हुए ये प्रतिदिन 50 महिलाओं की हत्या करता था। इसकी कैबिनेट के लोग भी यही करते थे। यह महिलाओं की प्रधानता को स्वीकार नहीं करता है। इसका कहना है कि मैं पुरुष प्रधान हूँ, मैं महिलाओं को नहीं मानता हूँ। यह महिलाओं को अपने पैर की जूती समझता था। विश्व भर में इसको एक आतंकवादी माना गया। यह ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लिए काम करता था। बम धमाकों का कोड इसके पास था। यह अपने एक इशारे पे कहीं पे भी बम धमाके करवा सकता था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सजाए मौत दी गई है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी हितेश ने यह आज्ञा सुनाई है। नरेंद्र मोदी को जहां कहीं भी हो ढूंढ के परसों सुबह तक फांसी दे दी जानी चाहिए। सभी सेनाओं को, सभी अंगों को यह आदेश दिया जाता है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य की सरकार यह आदेश सभी सेनाओं को देती है। कृपया इस बात को ध्यान रखें, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिस किसी ने भी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी हितेश मंडल को मारने की कोशिश करी या अपमान किया या उनके आदेश का उल्लंघन किया, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति पर हमला करने की आदेश नहीं है, यह अंतिम चेतावनी है। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। आज मैं आपको यह बात बता देता हूँ कि आज तारीख क्या है। 20 दिसंबर 2020 समय हो रहे हैं रात्रि के 3:08। कृपया सभी भारतवासी सुने, विश्व की सभी सरकार और सत्ताओं को यह आदेश दिया जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवं उसकी सभी टीमों को, उसके सभी यार दोस्तों को चेतावनी दी जाती है। आप जा कहीं भी हैं, अपने नज़दीकी थाने में जाकर समर्पण कर दीजिए, वरना हम आपके परिवार को सपरिवार मार देंगे। भारत में सभी कमांडो फोर्स को आदेश दिया जाता है, इसको ढूंढ करके कहीं से ला करके बिना देर करे इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करके इसका अंतिम न्याय सुनाया जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए। एक नन्ही बच्ची जिसका नाम दिया था, उसकी हत्या का आरोप इसके ऊपर है। यह अंतिम आदेश है। देश में महाविद्या, जिसको आप SVG कहते हैं, उसको आदेश दिया जाता है। यदि आपने आज्ञा का उल्लंघन किया तो आपको बिना देर करे सजाए मौत सुनाई दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।